हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मेरा नाम है रोहित सिंगल। स्टूडेंट, हम ACCA SBR जो है वो पढ़ रहे हैं। इसके अंदर स्टूडेंट, हमने लास्ट क्लास में मिड ईयर एक्विजिशन टॉपिक डिस्कस किया था, ठीक है। और हमने देखा था कि अगर सब्सिडरी को हमने बीच में एक्वायर किया और प्रॉफिट हमें, रिटेन अर्निंग्स जो हमें किसी और डेट की दे रखी है, तो क्या एडजस्टमेंट करेंगे। इसके साथ ही हमने अनइवन आइटम्स जो होते हैं, टाइम एडजस्टमेंट अप्लाई करते समय अनइवन आइटम्स का जो ध्यान रखना होता है, उसके बारे में भी डिस्कस किया। एक इलस्ट्रेशन किया था कापलान का, F7 का। आज जो हम टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, जैसे हमने लास्ट क्लास में भी बताया था, वो हम पढ़ेंगे अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। अनरियलाइज प्रॉफिट को स्टॉक रिजर्व भी बोलते हैं, ठीक है, या फिर इसको प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी बोलते हैं। क्लियर? क्या हम सिंपल अनरियलाइज प्रॉफिट बोलेंगे क्लास के अंदर। अनरियलाइज प्रॉफिट का ट्रीटमेंट समझेंगे, इसके अंदर स्टॉक से रिलेटेड बातें करेंगे और प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, अगर वो बेचा तो उससे रिलेटेड क्या ट्रीटमेंट होगा। दोनों का ट्रीटमेंट लगभग लगभग सेम है, बस इसमें डेप्रिसिएशन भी आ जाएगा, तो उसके बारे में भी डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है ना। रिवोल्यूशन से कंफ्यूज मत होना, रिवोल्यूशन अलग चीज थी, अनरियलाइज प्रॉफिट अलग चीज है। प्लस आज हम इससे रिलेटेड एक इसका एक क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे बड़ा, F7 फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का। स्टार्ट करते हैं स्टॉक से रिलेटेड बातें करने। सबसे पहले तो अनरियलाइज प्रॉफिट के अंदर देखो, होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में हो सकता है कि ट्रांजैक्शंस करें, जैसे हमने कॉन्ट्रा के अंदर देखा था डेटर क्रेडिटर आपस में होते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि दोनों की दोनों आपस में ट्रांजैक्शंस पहले से कर रही हों। फिर दिक्कत कब आती है, जब होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स जो बेचा, जो जो सेल किया, होल्डिंग ने उस पर प्रॉफिट बुक किया होगा, ठीक है। होल्डिंग मान लो कि 100 का गुड्स 120 पे बेचती है, जो होल्डिंग की खुद की कॉस्ट है 100, उसको वो किसी को भी बेचती है तो 120 पे ही सेल करती है। और सब्सिडरी भी पूरी दुनिया से माल खरीदती है और होल्डिंग से भी खरीद लेती है, कितने में, 120 के अंदर। क्लियर? ये जो 100 की होल्डिंग कंपनी का कॉस्ट थी और होल्डिंग ने सेल कितने में कर दिया, 120 के अंदर। सब्सिडरी ने ऑब्वियसली परचेस किया 120 के अंदर, तो इससे होल्डिंग का जो प्रॉफिट है वो 20 का बुक हो गया है यहां पे, ठीक है। बट पता लगा कि सब्सिडरी के यहां से जो गुड्स हैं वो किसी और थर्ड पार्टी को नहीं बिके, ठीक है ना। तो इस केस में जो होल्डिंग का प्रॉफिट 20 का है, ये प्रॉफिट कहलाता है अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स। कौन से प्रॉफिट? अनरियलाइज्ड प्रॉफिट, या फिर अपन जिसे बोल रहे हैं यूपी। क्यों? क्योंकि ये गुड्स जो है वो विद इन द ग्रुप रह गए, मतलब ये ग्रुप के बाहर गुड्स जा ही नहीं पाए, ईयर एंड हो गया और इसके पास ये स्टॉक में पड़े रह गए, ये किसी को बेच नहीं पाया। प्रॉफिट रियल में होल्डिंग कंपनी को कब होता, जब सब्सिडरी इसको, इस गुड्स को किसी और थर्ड पर्सन को बेच देती, थर्ड पार्टी को बेच देती, बट सब्सिडरी ने ये गुड्स किसी और को नहीं बेचे। तो इसीलिए जो होल्डिंग ने प्रॉफिट बुक किया है वो प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ता है, उसे क्या बोलते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट। ओके, तो हम प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट बनाते हैं। क्लियर? अब होल्डिंग ने अगर सब्सिडरी को गुड्स बेचा तो कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर, अगर सब्सिडरी उसको बाहर बेच देती है ना, मार्केट में बेच देती, तब तो वो प्रॉफिट क्या हो जाता, रियलाइज हो जाता, तब तो कोई इशू नहीं है, तब कैंसिल करने की दिक्कत नहीं होती है, जरूरत नहीं होती है। दिक्कत कब है, जब होल्डिंग ने बेचा और सब्सिडरी कंपनी के पास वो स्टॉक में रखा रह गया, तो उस असेट के अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड है। सोच के देखो, इस स्टॉक के अंदर भी प्रॉफिट इंक्लूड है और हम ग्रुप के हिसाब से बात कर रहे हैं। अगर ऐसे ही कोई प्रॉफिट बनाने लग जाए, होल्डिंग कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट दिखाने लग जाए, तब तो फिर होल्डिंग और सब्सिडरी आपस में एक दूसरे को गुड्स बेचते रहेंगे जिंदगी भर तक, किसी और को बाहर बेचने की जरूरत ही नहीं है, और अपनी बुक्स में जबरदस्ती प्रॉफिट रिकॉर्ड करते रहेंगे।
प्रॉफिट कभी भी घर घर वालों के अंदर रिकॉर्ड नहीं होता है, ठीक है ना, तीसरे पर्सन से कमाया जाता है। तो इसीलिए मुझे यहां पे इस प्रॉफिट को कैंसिल करना पड़ेगा। अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचे, सोच के देखो, होल्डिंग ने प्रॉफिट बुक किया, अब मुझे इस प्रॉफिट को कैंसिल करना है, तो मैं आपसे जनरल एंट्री पूछ रहा हूं, बताओ मुझे जनरल एंट्री क्या होगी। होल्डिंग का प्रॉफिट कहां पे होता है? होल्डिंग का प्रॉफिट होता है कंसोलिडेटेड इक्विटी के अंदर। हम जो वर्किंग नोट बनाते ना, कंसोलिडेटेड इक्विटी, उसमें सबसे पहले होल्डिंग का प्रॉफिट लिखते हैं, तो उसको मुझे को डेबिट करना पड़ेगा क्योंकि प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, और साथ में मुझे स्टॉक जो है इसको कॉस्ट पे लाना पड़ेगा। तो ये 100 पे लाएंगे तो स्टॉक क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ये एंट्री पास होगी। समझे क्या बात को आप? जब होल्डिंग ने सब्सिडरी को गुड्स बेचा, तब जब होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचती है, तो इस ट्रांजेक्शन को क्या कहते हैं, डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन। क्या बोलते हैं इसको? डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन, ठीक है। मतलब होल्डिंग ऊपर है और नीचे छोटी कंपनी है सब्सिडरी, बड़ी होल्डिंग है, तो इसलिए डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन बोला इसको। और होल्डिंग ने क्योंकि प्रॉफिट बुक किया है, तो होल्डिंग के कंसोलिडेटेड इक्विटी में से कम होगा। उल्टा भी हो सकता था, सब्सिडरी कंपनी भी होल्डिंग को प्रॉफिट पे गुड्स बेच सकती है रेगुलर बेसिस पे, और वो होल्डिंग के स्टॉक में ईयर एंड पे पड़ा हुआ है, तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम होगा। सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कहां पे होता है? जब हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स, है ना, उसके अंदर सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होता है, पोस्ट वाला जो प्रॉफिट होता है वो। तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट मुझे कम करना पड़ेगा, सिंपल सब मैं ऐसे लिख देता हूं, अगर जनरल एंट्री लिखनी है तो सबसी प्रॉफिट अकाउंट डेबिट टू स्टॉक, ठीक है। आपको मेरे बोलने से एक जगह पे प्रॉब्लम हो सकती है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्सेप्चुअल सोचते हैं तो, ठीक है ना। वैसे हो सकता है कि आपने F7 के अंदर वो चीज ध्यान से सोची हो कभी, अदरवाइज नहीं सोची हो तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आप मैंने जैसे बोला कि सब्सिडरी, जैसे हम कहां पे, अगर सब्सिडरी कंपनी ने गुड्स बेचा तो सब्सिडरी कंपनी के प्रॉफिट में से कम करेंगे और स्टॉक कम हो जाएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। फिर मैंने बोला था कि सब्सिडरी कंपनी के लिए हम वर्किंग नोट नंबर 1 बनाते हैं, जहां पे स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स बनाते हैं। फिर मैंने एक वर्ड बोला था, पोस्ट प्रॉफिट में से ही कम होगा, तो आपके मन में आ सकता है सर व्हाई नॉट प्री प्रॉफिट, कि प्री में से कम क्यों नहीं करते, है ना। ऐसे सोचोगे तो आपको चीजें याद करनी नहीं पड़ेगी और लॉजिक से आपका सारा काम हो जाएगा कंसोलिडेशन के अंदर, ठीक है। आप सोच के देखो जरा कि हम लोग जब भी गुडविल निकालते हैं, गुडविल की वैल्यूएशन करते हैं, तब हम सब चीजें किस पे लेते हैं? हम क्या करते हैं, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट माइनस, एक बार एनसीआई को छोड़ो, माइनस नेट असेट्स किस पे लेते हैं, फेयर वैल्यू पे लेते हैं, नहीं लेते? तो नेट असेट्स जब फेयर वैल्यू पे आ गई, ठीक है, और ये नेट असेट्स किस दिन की होती है, जिस दिन डेट ऑफ एक्विजिशन, मतलब प्री पीरियड की। सोचो नेट असेट्स किस दिन की होती है, प्री पीरियड की, जिस दिन हमने कंट्रोल एक्वायर किया उस दिन की। तो उस दिन जब सब चीजें फेयर वैल्यू पे ले रहे हैं, तो ऑलरेडी स्टॉक वगैरह सब चीजें फेयर वैल्यू पे आ तो गई, ठीक है ना। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, लैंड एंड बिल्डिंग, रिवॉल्यूशन का एडजस्टमेंट करते हैं, तो उस दिन तक तो ऑलरेडी सब चीजें क्या है, फेयर वैल्यू पे है ही, तो प्री में दिक्कत नहीं आती है। इशू कहां पे आ रहा है, पोस्ट में, ठीक है। तो इसलिए सब्सिडरी का पोस्ट का प्रॉफिट कम होता है टू स्टॉक, क्लियर। हो सकता है कि मैंने ज्यादा बता के आपको थोड़ा डेप्थ में ले गया, कई लोग सोच सकते हैं कंफ्यूज भी हो गए हो इसको, लेकिन आप जब तक उलझोगे नहीं तब तक सुलझोगे नहीं, ठीक है। थोड़ा सा उलझना जरूरी है अगर आपको कॉन्सेप्चुअली सोचना है। तो मैंने अभी आपको कितनी बातें बताई बताओ, कि अगर देखो सबसे पहले मैंने बताया आपको कि हो सकता है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को गुड्स बेचा हो, तो इसे क्या बोलेंगे, पहले तो डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन बोलेंगे, नॉर्मल वर्ड है, ठीक है। तो हम होल्डिंग के प्रॉफिट में से कम करेंगे, होल्डिंग का प्रॉफिट कहां पे होता है, कंसोलिडेटेड इक्विटी में, टू स्टॉक, बैलेंस शीट में से स्टॉक कम हो जाएगा और यहां पे रिटेन अर्निंग्स कम हो जाएगी होल्डिंग कंपनी की।
अगर सबसी ने होल्डिंग को माल बेचा और वो स्टॉक में पड़ा रह गया होल्डिंग के, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट कम होगा। कौन सा प्रॉफिट कम होगा? पोस्ट जो प्रॉफिट है उसको डेबिट कर देंगे और स्टॉक को क्रेडिट कर देंगे। ये स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स जो होता है वर्किंग नोट नंबर 1 उधर होता है। क्लियर क्या? ऐसे करके डिस्कशन किया। फिर ये तो था स्टॉक के बारे में डिस्कशन। कई बार क्वेश्चन में बोल सकता है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को या सब्सिडरी ने होल्डिंग को प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट बेचा है। ठीक है, बोल सकता है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को 10,000 का जो प्लांट है, 10,000 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जो है वो 15,000 में सेल किया है। तो आप बोलोगे सर क्या दिक्कत है इसमें, होल्डिंग कंपनी का जो प्रॉफिट है वो कम कर देंगे उठा के। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कितना कम हो जाएगा? 5,000 का। तो होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट किधर कम होता है? कंसोलिडेटेड इक्विटी के अंदर। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कम हो गया और साथ में प्लांट एंड मशीनरी जो थी वो कम हो जाएगी। और वैसे भी आपको पता है कि कोई भी कंपनी जब प्लांट एंड मशीनरी परचेज करती है तो वो खरीदने की मतलब उसको यूज करने के लिए परचेज करती है। तो इट इज वेरी मच पॉसिबल कि सब्सिडरी के पास ईयर एंड पे बचा हुआ हो प्लांट एंड मशीनरी। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो इसलिए मुझे ये एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। जैसे स्टॉक अगर बचेगा तभी तो अनरियलाइज प्रॉफिट होगा ना। तो अगर प्लांट एंड मशीनरी तो बची हुई होगी, नॉर्मल चांस है कि भाई सब्सिडरी कंपनी उसको यूज करेगी इसलिए। अच्छा, अब मान लो जैसे होल्डिंग ने सब्सिडरी को ये जो प्लांट एंड मशीनरी बेचा उसमें थोड़ा सा डेट का इशू आता है। डेट समझना कैसे, मैं क्या बोलना चाहता हूं आपको। मान लो कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को जब एक्वायर किया था ना, वो एक्वायर किया था 1 जुलाई 2022 को। मैं ऐसे कॉन्सेप्ट बताता हूं, थोड़ा सा आपको ऐसा लगता होगा भाई भारी पंसा है, इसलिए मैं वीडियो को तोड़ तोड़ के बनाता हूं, है ना। आप कोशिश करके भाई ज्यादा एकदम से भारी ना हो जाए, आप धीरे धीरे देख लो, है ना, सारी चीजें एक साथ ना आ जाए। तो अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक्वायर किया 1 जुलाई 2022 को और सपोज ईयर एंड जो है वो है 31 दिसंबर 2022, ठीक है। तो और ये जो होल्डिंग ने सब्सिडरी कंपनी को जो प्लांट बेचा है ना, वो 1 जुलाई 2022 को ही बेच दिया, जस्ट आफ्टर एक्विजिशन। मतलब जिस दिन एक्वायर हुआ, दिन में एक्वायर करा था होल्डिंग ने सब्सिडरी को और शाम को ये प्लांट होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेच दिया 10,000 का प्लांट 15,000 में। तो ठीक है सर, हमने ये प्लांट एंड मशीनरी यहां पे कम कर दी, ठीक है, और प्रॉफिट भी कम कर दिया। अब आप सोचो सब्सिडरी कंपनी ने अपने खुद के अकाउंट्स में क्या किया होगा। सब्सिडरी कंपनी ने ये प्लांट एंड मशीनरी कितने का परचेस किया है? 15,000 का, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ने इस पे क्या लगाया होगा? डैप लगाया होगा, ठीक है। डैप कितने मंथ का लगाया होगा बताओ? 6 मंथ्स का, 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का डैप लगाया होगा, ठीक है। ये प्लांट अब जो है बैलेंस शीट में, या वैसे कितने का आना चाहिए था बैलेंस कंसोलिडेशन करते समय? 10,000 का आएगा, ठीक है। सब्सिडरी कंपनी ने डेप्रिसिएशन मतलब 5,000 की वैल्यू पे ज्यादा लगा दिया। 5,000 के ऊपर जो भी रेट ऑफ डेप्रिसिएशन लगी होगी 6/12 करके, ठीक है ना भाई। सब्सिडरी कंपनी ने तो पूरे 15,000 पे डेप्रिसिएशन लगाया होगा, लेकिन लगाना कितने पे चाहिए था? 10,000 पे लगाना चाहिए था। तो कुल मिला के सब्सिडरी कंपनी ने 5,000 पे डेप्रिसिएशन, 5,000 के प्लांट पे ज्यादा डेप्रिसिएशन लगा दिया होगा, जो भी डेप्रिसिएशन निकला, ठीक है। सपोज एक बार मान लो कि 500 का डेप्रिसिएशन निकला, वो ज्यादा लगा दिया, तो हम क्या करेंगे इससे? सब्सिडरी कंपनी ने क्योंकि 500 का डेप्रिसिएशन एक्सेस चार्ज कर लिया, तो सब्सिडरी कंपनी का जो प्रॉफिट है वो 500 से कम हो गया है, तो मुझे सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट इंक्रीज करना पड़ेगा। वापस से क्या सोचो, सब्सिडरी कंपनी ने जब 500 का डेप्रिसिएशन ज्यादा लगा दिया प्लांट पे, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट को मुझे इंक्रीज करना पड़ेगा। तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट किधर होता है?
सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट होता है स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स में, प्रॉफिट इंक्रीज करेंगे, ठीक है। और प्लांट एंड मशीनरी क्योंकि डेप्रिशिएट ज्यादा कर दी तो कम हो गई होगी, तो उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू सब्सिडरी का प्रॉफिट। और कौन सा प्रॉफिट? पोस्ट प्रॉफिट के प्री प्रॉफिट, ऑब्वियसली पोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि ये एक्विजिशन के बाद हो रहा है सारा काम। तो प्लांट एंड मशीनरी पे नेट इंपैक्ट कितना आएगा बैलेंस शीट के अंदर? 4500 होगा। क्यों? 5000 से प्लांट एंड मशीनरी कम हो जाएगी लेकिन 500 से बढ़ भी जाएगी, ठीक है। तो 5000 और माइनस 500 कितना? 4500 से प्लांट एंड मशीनरी क्या हो जाएगी बैलेंस शीट में? कम हो जाएगी। बताओ समझ में आया नहीं आया? नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे एक क्वेश्चन करेंगे उसमें और अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरी एक लिमिटेशन है थ्योरी के अंदर बताने की, भाई थ्योरी के अंदर मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ क्योंकि फिगर्स सारे सोच के बताने पड़ते हैं। बट हम जब आप प्रैक्टिकल करते हैं तो आपको और मजा आएगा। क्लियर? क्या F7 का ही टॉपिक पढ़ा रहा हूँ, कुछ नया नहीं पढ़ा रहा, तो मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत आनी नहीं चाहिए। इवन F3 में भी था ये। ये F7 का क्वेश्चन है काप्लान का स्टडी टेक्स्ट का। क्लियर? क्या ऑन 1 मई 2007, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, काल बॉट 60% ऑफ सुसैन पेइंग $76,000 कैश। तो काल कौन है यहां पे? होल्डिंग कंपनी। और सुसैन कौन है? सब्सिडरी कंपनी, ठीक है। द समराइज स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन फॉर द टू एंटिटीज एज एट 30 नवंबर 2007 आर, बोल रहे हैं नॉन करंट असेट्स है। नॉन करंट असेट्स में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट और इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट देखो कितना है, 98,000, जबकि 76,000 का इसने कैश दिया है, तो मींस बाकी के अदर इन्वेस्टमेंट होंगे। इन्वेंटरी है, डेटर्स है, कैश है, शेयर कैपिटल, रिटेन अर्निंग्स, नॉन करंट लाइबिलिटी, 8% लोन्स। लोन किसने इशू कर रखे हैं? लोन मतलब किसने लिया है? सब्सिडरी कंपनी ने लोन लिया है। आगे देखेंगे बाद में कि ये सब्सिडरी कंपनी ने कहीं आपस में तो होल्डिंग ने कुछ ना कुछ लोन ले रखा है, नहीं ले रखा। करंट लाइबिलिटी है। एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या है? द इन्वेंटरी ऑफ होल्डिंग कंपनी इंक्लूड्स 8,000 ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम सब्सिडरी कंपनी एट अ कॉस्ट प्लस 25%। सोच के बताओ क्या हुआ है कि सब ये काल कौन सी कंपनी है? होल्डिंग कंपनी। होल्डिंग कंपनी के बुक्स में स्टॉक के अंदर 8,000 का गुड्स आ रहा है जो सब्सिडरी कंपनी से परचेज किया गया है। मीन्स सब्सिडरी ने होल्डिंग कंपनी को कुछ गुड्स बेचा है। बताओ ये कौन सा ट्रांजेक्शन है? अपस्ट्रीम के डाउनस्ट्रीम, अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन है। क्यों? क्योंकि सब्सिडरी ने होल्डिंग को गुड्स बेचे हैं। फिर ऑन 1 जून 2007 द काल मतलब होल्डिंग कंपनी ट्रांसफर एन आइटम ऑफ प्लांट टू सुसैन फॉर $15,000। इट्स कैरिंग अमाउंट एट दैट डेट वॉज 10,000 एंड इट्स रिमेनिंग यूजफुल लाइफ वॉज 5 years। बोल रहा है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को 15,000 का प्लांट बेचा है। तो ये कौन सा ट्रांजेक्शन हुआ? डाउनस्ट्रीम ट्रांजेक्शन हुआ, ठीक है। और किस दिन बेचा है? जिस दिन कंट्रोल एक्वायर किया है। कंट्रोल किस दिन एक्वायर किया है? उसके थोड़ा सा बाद में ना, 1 मई को कंट्रोल एक्वायर किया है और ये 1 जून को ट्रांजेक्शन हो रहा है, ठीक है। तो 1 महीने बाद उसके, मतलब पोस्ट पीरियड में बेचा है। काल वैल्यू द एनसीआई यूजिंग द फेयर वैल्यू मेथड एट द डेट ऑफ एक्विजिशन। द फेयर वैल्यू ऑफ 40% एनसीआई वॉज 50,000, है ना। 60% शेयर एक्वायर कर रखे हैं तो 40% एनसीआई की फेयर वैल्यू दे रखी, नॉर्मल पॉइंट है। एन इंपेयरमेंट लॉस ऑफ 1,000 इज टू बी चार्ज अगेंस्ट गुडविल एट ईयर एंड, ये भी नॉर्मल पॉइंट है, इंपेयरमेंट लॉस आ गया गुडविल का। कंपनी अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000 इन द ईयर एंडेड 30 नवंबर 2007। 30th नवंबर को ईयर एंड हो रहा है और पूरे साल में 9,000 का प्रॉफिट कमाया है, ठीक है। द लोन नोट इन सुसैन बुक रिप्रेजेंट मनी बोरोड फ्रॉम काल ऑन 30th नवंबर 2007
सेवन। देखो सब्सिडरी ने लोन ले रखा है 20,000 का। ये लोन किसने दिया है? द मनी बोरोड फ्रॉम कार्ल, होल्डिंग ने, ठीक है ना। होल्डिंग ने सब्सिडरी को 20,000 का लोन दिया है, तो होल्डिंग कंपनी के इन्वेस्टमेंट्स में आ रहे होंगे, क्योंकि होल्डिंग कंपनी ने ये डिबेंचर परचेस करे होंगे सब्सिडरी कंपनी के। तो मतलब 20,000 जो है वो क्या है? लोन नोट्स या बॉन्ड्स, ठीक है। और लेकिन यहां पे टोटल कितना है? 98। तो 76 प्लस 20 कितना होता है? 96। और 2000 के अदर इन्वेस्टमेंट आ रहे हैं। जब हम बैलेंस शीट बनाएंगे, 20,000 का ये वाला अमाउंट और 20,000 के इन्वेस्टमेंट, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, बिकॉज दे आर कॉन्ट्रा। एक दूसरे से लोन लेना देना, बीआर बीपी डेटर क्रेडिटर पड़ा था अपन ने, कैंसिल हो जाता है। इंक्लूडेड इन कार्ल रिसीवेबल इज $4,000 रिलेटेड टू इन्वेंट्री सोल्ड टू सुसैन ड्यूरिंग द ईयर। बोल रहा है कि कार कार्ल के डेटर्स जो हैं वो 4,000 हैं, ठीक है, क्योंकि कार्ल ने सुसैन को गुड्स बेचे होंगे। सुसैन रेज द चेक फॉर 2500 एंड सेंड टू कार्ल ऑन 29th नवंबर 2007, ठीक है। कार्ल डिड नॉट रिसीव दिस चेक अंटिल 4th दिसंबर 2007। क्या बोल रहा है बताओ? कार्ल बोल रहा है कि मेरे को सुसैन से 4,000 लेने हैं, और सुसैन ने ऑलरेडी $2,500 का चेक रवाना कर दिया, बट वो ट्रांजिट में है, ठीक है ना, और उसको मिला नहीं अभी तक। तो बताओ सुसैन की बुक्स में जो क्रेडिटर्स हैं, मतलब पेबल्स हैं, वो कितने आ रहे होंगे इन रिस्पेक्ट टू कार्ल? कितने आ रहे होंगे? $1,500 के। क्यों? क्योंकि 2500 तो इसने पे कर दिए, 4000 टोटल था, 4000 में से 2500 पे कर दिए, तो बैलेंस कितना आ रहा है? 1500 का क्रेडिटर्स में, पेबल्स में। और रिसीवेबल्स में कार्ल क्या बोल रहा है कि मेरे को तो 4000 लेने हैं, तो 4000 कार्ल के बुक्स में डेटर्स में आ रहे हैं, तो हमें वो हटाने पड़ेंगे और उसकी जगह क्या लेके आना पड़ेगा? कैश इन ट्रांजिट 2500 का। क्लियर क्या? तो देखो ये आइटम क्या हो गया? कॉन्ट्रा। ये भी कॉन्ट्रा। ये नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा है, ये इंपेयरमेंट की बात कर रहा है, ये एनसीआई की बात कर रहा है, ये दोनों अनरियलाइज्ड प्रॉफिट से रिलेटेड है। तो क्वेश्चन में अच्छी खासी वैरायटी है कि नहीं? तो इस क्वेश्चन को एक बार आप ट्राई करना चाहोगे? आप ट्राई करके देखो, ठीक है ना। उसके बाद मैं तो करवा ही रहा हूं क्लास में, उसके बाद आप मेरा सॉल्यूशन देखना, ठीक है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं वर्किंग नोट नंबर 1 से, स्टेटमेंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी कंपनी, ठीक है, प्री पोस्ट और टोटल। सबसे पहले शेयर कैपिटल ले लेते हैं, गलती नहीं होगी, फिर रिटेन अर्निंग ले लेंगे। सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल देखो कितनी है, 40,000, और रिटेन अर्निंग 69,000। शेयर कैपिटल में कोई चेंजेस आते नहीं है, तो 40 का 40 ही रहेगा। रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस रखा है क्या? क्या बोल रहे हैं? रिटेन अर्निंग्स का ओपनिंग बैलेंस ये पढ़ो, सुसैन अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ 9,000 इन द ईयर एंडेड 30th नवंबर 2007। पूरे साल का प्रॉफिट है 9,000 का, ठीक है, गलती मत करना। तो पूरे साल का प्रॉफिट है 12 महीने का, तो ओपनिंग बैलेंस कितना होगा? इसमें से इसको माइनस कर दूं तो ओपनिंग बैलेंस निकल जाएगा आराम से, 60,000 ओपनिंग होगा, ठीक है। बट थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा इसमें अपन को, इसमें शेयर कब एक्वायर करे थे? 1st मई 2007। तो मुझे 1st मई 2007 तक का बैलेंस चाहिए, और 1st मई 2007 से लेकर
30 नवंबर 2007 तक कितने महीने होते हैं भाई बताओ? मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 7 मंथ होते हैं। तो 7 मंथ का पीरियड क्या हो गया? पोस्ट। और बाकी स्टार्टिंग के 5 महीने का पीरियड क्या हो गया? प्री। ठीक है, तो ये यहां पे क्या करना पड़ेगा? टाइम एडजस्टमेंट। क्यों? क्योंकि ये पूरे 12 महीने का प्रॉफिट है। इस 12 महीने के प्रॉफिट में मुझे हटाना पड़ेगा कितने महीने का प्रॉफिट इसमें से? 5 मंथ्स का प्रॉफिट। और यहां पे भेज देंगे इसको, सॉरी कितना आएगा ये? 9000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 5 मीन्स 3750। तो 1,03,750 और 9000 माइनस 3750 ये आएगा 5250। ठीक है, कोई एबनॉर्मल आइटम तो है ही नहीं कि अपन एबनॉर्मल आइटम को एडजस्ट करते पहले। क्लियर? अब क्या करना है? अब हमें देखना है कि अनरियलाइज्ड प्रॉफिट का ट्रीटमेंट। देखो, इन्वेंटरी ऑफ काल इंक्लूड 8000 ऑफ गुड्स परचेज फॉर कैश फ्रॉम सुसैन। सुसैन ने बेचा तो सुसैन का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा इसमें। अपस्ट्रीम ट्रांजेक्शन सब्सिडरी ने होल्डिंग को बेचा तो सब्सिडरी का प्रॉफिट कम करेंगे। तो 8000 के गुड्स हैं टोटल इन्वेंटरी, कॉस्ट प्लस 25% प्रॉफिट लिया गया है। तो 8000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, ये तो आपको पता ही होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 8000 ये 25 डिवाइडेड बाय 125 क्यों किया? क्योंकि कॉस्ट 100 प्लस 25 प्रॉफिट, तो 125 सेलिंग प्राइस। तो ये 8000 उसके स्टॉक में इंक्लूड है, ठीक है ना? किसके स्टॉक में इंक्लूड है? होल्डिंग के। तो ये सब्सिडरी की सेलिंग प्राइस कितनी हो गई? 125। यूनिटरी मेथड अप्लाई कर लिया तो प्रॉफिट कितना आ गया? 1600 का। तो अनरियलाइज प्रॉफिट कितना? 1600 का। क्लियर? इसके बाद काल ट्रांसफर एन आइटम। इसमें देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से करना, ठीक है? बच्चे क्या है, इसमें बहुत मिस्टेक करने के चांसेस हैं। काल ने प्लांट एंड मशीनरी ट्रांसफर करी 15,000 की, ठीक है? उसकी कैरिंग अमाउंट क्या थी एट दैट डेट? 10,000। काल मतलब कौन है? होल्डिंग कंपनी। तो होल्डिंग कंपनी ने इट मींस प्रॉफिट 5,000 का बुक कर लिया, ठीक है? और ये प्लांट एंड मशीनरी की यूजफुल लाइफ कितनी थी उस टाइम पे? 5 साल की। क्लियर? क्या देखो जरा, हुआ क्या है कि होल्डिंग ने सब्सिडरी को एक प्लांट ट्रांसफर किया है जिसकी कैरिंग अमाउंट 10,000 थी और 15,000 में ट्रांसफर किया। तो होल्डिंग कंपनी ने इट मींस 5,000 का प्रॉफिट बुक कर लिया है। तो होल्डिंग कंपनी का मुझे प्रॉफिट क्या करना पड़ेगा? कैंसल करना पड़ेगा, अंडरलाइज प्रॉफिट बुक करना पड़ेगा। होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट किधर होता है? कंसोलिडेटेड इक्विटी में, ठीक है? बट दिक्कत क्या है? दिक्कत यह है कि सब्सिडरी कंपनी ने भी क्या किया था, 10,000 के प्लांट की जगह 15,000 का प्लांट खरीदा। इसने तो 15,000 का प्लांट खरीदा, जितने में बेचा, इसकी कॉस्ट कितनी थी? 15,000, ठीक है? तो सब्सिडरी कंपनी की कॉस्ट कितनी होगी जितने में सब्सिडरी कंपनी ने खरीदा? 15,000। तो डैप लगा दिया 5,000 पे ज्यादा, 5,000 की वैल्यू पे ज्यादा डैप लगा दिया। क्लियर? क्या? और इस बोल रहा है कि पूरे प्लांट की जो लाइफ है उस टाइम पे 1 जून 2007 को कितनी थी? 5 साल थी। 5 साल में कितने महीने होते हैं बताओ जरा? 60 मंथ होते हैं। तो 1 महीने का डेप्रिसिएशन इंटू सब्सिडरी कंपनी ने ये प्लांट किस दिन खरीदा है? 1 जून को। और ईयर एंड कौन सी तारीख को हो रहा है? 30 नवंबर को। कितने महीने हो गए बताओ जरा? जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, 6 मंथ। सब्सिडरी कंपनी ने 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाया होगा। लगाया कितने पे था? 15,000 पे। लगाना कितने पे चाहिए था? 10,000 पे।
ठीक है ना, क्योंकि ग्रुप से आपस में प्रॉफिट नहीं कमाते अगर वो स्टॉक बचा हुआ है तो, मतलब आइटम बचा हुआ है तो, ठीक है, तो आइटम तो बचा ही हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी बेची थोड़ी है सब्सिडरी कंपनी ने, तो 5000 के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा हुआ है एक्स्ट्रा प्रॉफिट पे, तो मैं इसको क्या करूंगा, अब खत्म करूंगा, तो 5000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 कितना 500 का डेप्रिसिएशन लगा हुआ है, तो इसलिए मुझे सब्सिडरी कंपनी के जो डेप्रिसिएशन, सब्सिडरी कंपनी ने, सोचो अब सब्सिडरी कंपनी की बुक्स में क्या एंट्री होगी, सब्सिडरी कंपनी ने डेप ज्यादा लगा रखा है अपनी बुक्स में, ठीक है ना, तो सब्सिडरी कंपनी ने डेप ज्यादा लगा रखा है तो प्रॉफिट सब्सिडरी कंपनी का कम हो गया होगा, तो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा, प्लस डेप लगाने से प्लांट एंड मशीनरी की वैल्यू कम हो गई होगी, तो प्लांट एंड मशीनरी को बढ़ाना पड़ेगा प्लस सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट भी बढ़ाना पड़ेगा, कितने से, 500 से, और इधर क्या हुआ था 5000 की अगर जनरल एंट्री पूछो तो 5000 की जनरल एंट्री ये थी कि होल्डिंग कंपनी का प्रॉफिट कम करना पड़ेगा, कंसोलिडेटेड इक्विटी डेबिट टू प्लांट एंड मशीनरी 5000 से, ठीक है, क्लियर क्या, तो नेट इफेक्ट जो आएगा वो 4500 आएगा, इसी एग्जांपल को मैंने आपको पहले समझाया था, थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा, है ना, मैंने बताया अपन रिवीजन कर रहे हैं, आपके लिए नया नहीं होना चाहिए और आपको ऐसी दिक्कत भी नहीं आनी चाहिए, क्योंकि यू आर जस्ट रिवाइजिंग इट, ये जस्ट आप देखिए ये F7 का ही क्वेश्चन लिया है मैंने, ऐसा नहीं है कि कोई SBR का टॉपिक आ गया नया, क्लियर क्या, तो अब मुझे ये जो सब्सिडरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ाना है वो मैं किधर बढ़ाऊंगा, ऑब्वियसली इधर बढ़ाऊंगा, ठीक है, तो डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, ठीक है, कैंसिल करना पड़ेगा, कितने का, 500 का, क्लियर क्या, और क्या है, अच्छा इसी चीज को है ना हमारा स्टैंडर्ड बोलता है किसी और तरीके से निकालो, अगर आपको याद आ रहा हो तो, वो भी मैं आपको बताऊंगा इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं, बट ये बिल्कुल देसी तरीका है सोचने का, क्लियर क्या, इसको मैं आपको सोफेस्टिकेटेड तरीके से भी निकाल के बता दूंगा कि भाई ये भी तरीका होता है एक निकालने का, अच्छा NCI इधर आएगा नहीं, इंपेयरमेंट इधर आएगा नहीं, और लोन वोन का कुछ है नहीं इधर, यहाँ पे डेटर क्रेडिटर्स का कोई मतलब है नहीं, ठीक है, तो अब ये कितना आ गया जरा चेक करो, ये 1,03,750 और 5250 माइनस 1600 प्लस 500 मींस 4150, क्लियर क्या, तो ये होल्डिंग और NCI में डिवाइड हो जाएगा, इधर कर देता हूँ देखो मैं इसको डिवाइड, होल्डिंग और NCI क्या रेशो है 60-40 का, फोर वन फाइव जीरो का 60%, 2490, ठीक है, इसी को डिवाइड कर रहा हूं मैं, और 1660, तो ऐसे करके हमारे पास जो प्रॉफिट्स के फिगर थे डिवाइड करके आ गए, अब निकालते हैं गुडविल, है ना, नया वर्किंग नोट बनाते हैं, वर्किंग नोट नंबर 2 गुडविल कैलकुलेशन, क्लियर, अब गुडविल के लिए सबसे पहले क्या चाहिए होता है, कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट से वो कितने हैं 76,000 के कैश, ठीक है, तो यही था और तो कुछ था ही नहीं, प्लस NCI के लिए क्वेश्चन में बोला है कि फेयर वैल्यू पे ही लेना है, तो फेयर वैल्यू पे ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, NCI की फेयर वैल्यू कितनी है 50,000 की, माइनस नेट असेट्स ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन कितनी है, नेट असेट्स है 1,03,750, तो हमारे पास गुडविल कितनी की आ गई, चेक करो 76,000 प्लस 50,000 माइनस 1,03,750 मींस 22,250, बट इसमें कुछ इंपेयरमेंट भी है, कितना है इंपेयरमेंट, इंपेयरमेंट था 1,000 का, तो न्यू गुडविल कितनी आ गई 21,250,
थोड़ा सा ध्यान रखना, ये 1000 की जो गुडविल है ये होल्डिंग और एनसीआई में लॉस डिवाइड होगा, किस रेशो में, 60 और 40 के रेशो में, तो आ जाएगा 600 और 400। क्लियर, क्या इसको भूलना नहीं है। वर्किंग नोट थर्ड बना लेते हैं, एनसीआई की कैलकुलेशन। जैसे एनसीआई एक्विजिशन डेट पे कितना था, 50,000 का, प्लस पोस्ट एक्विजिशन शेयर कितना था एनसीआई का, पोस्ट एक्विजिशन शेयर था 1660, माइनस गुडविल का इंपेयरमेंट वो भी ले लेंगे, यहां पे कितना है 400 का, तो 50,000 प्लस 1660 माइनस 400 मींस 51,260 हमारी एनसीआई आ जाएगी। ऐसे ही वर्किंग नोट नंबर 4, कंसोलिडेटेड इक्विटी। ठीक है, हमारा रिटेन अर्निंग्स, होल्डिंग का रिटेन अर्निंग कितना था पहले ये चेक कर लेते हैं। ये था 189, इसमें पोस्ट एक्विजिशन शेयर ऐड कर देते हैं, कितना है 2490। और गुडविल का इंपेयरमेंट लेस कर देते हैं, गुडविल का इंपेयरमेंट कितना है, सॉरी 600 का। और अब ध्यान से ना, मतलब गलती होने की पूरे पूरे संभावना है यहां पे आपकी, है ना। क्या हमने प्लांट एंड मशीनरी के अंदर कंसोलिडेटेड इक्विटी, होल्डिंग का, क्योंकि ये डाउन स्ट्रीम ट्रांजेक्शन था तो होल्डिंग का जो प्रॉफिट है वो कम होना चाहिए 4500 से, वो सॉरी 5000 से। ठीक है, तो 5000 का जो प्रॉफिट है वो भी कम होगा प्लांट एंड मशीनरी का। अनरियलाइज प्रॉफिट कितना, 5000 से। आप प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, पीयूपी करके आ जाएगा, आपने बुक्स में देखा होगा इस तरीके से आता है। देख लो कुछ बचा तो नहीं, इन्वेंटरी हो गया, ये हो गया, एनसीआई इंपेयरमेंट हो गया। ठीक है, आई थिंक यहां पे अपने सारे ट्रांजेक्शन्स हो गए हैं। तो कंसोलिडेटेड इक्विटी जो आएगी 189 प्लस 2490 माइनस 600 और माइनस 5000 मींस 185,890 की कंसोलिडेटेड इक्विटी आ जाएगी। तो अब स्टूडेंट्स इसका क्या है, सीबीएस बना लेते हैं, लास्ट काम जो बचा है। ठीक है, सीबीएस कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट, राइट। अब सबसे पहले देखिए इसमें क्या आएगा, पीपीई प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, यही टोटल लगा लेते हैं। देखो 138 का प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट प्लस 1,15,000 आपने वर्किंग नोट्स बनाए थे, उसमें देखो आपने यहां पे 5000 का प्लांट एंड मशीनरी कम किया है, टू प्लांट एंड मशीनरी क्रेडिट किया है, मतलब कम किया है, और 500 का प्लांट एंड मशीनरी बढ़ाना पड़ा है, डेबिट किया मतलब इंक्रीज किया है, तो 248,500 का प्लांट एंड मशीनरी आ जाएगा। ओके, फिर इन्वेस्टमेंट्स, इन्वेस्टमेंट देखो 76,000 तो वैसे भी कैश वाले इन्वेस्टमेंट थे, ये तो कैंसिल होंगे ही, 20,000 के लोन नोट्स थे, ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, 2,000 के अदर इन्वेस्टमेंट आ जाएंगे ओनली। ओके, इसके बाद हम लोग गुडविल लेते हैं, गुडविल को भूलना नहीं है आपको, गुडविल जो है वो है 21,250। गुडविल के बाद नेक्स्ट आइटम है इन्वेंटरी, इन्वेंटरी 15,000 और 17,000, लेकिन एडजस्टमेंट भी करना है,
तो 15,000 प्लस 17,000 और माइनस आपको अनरलाइज प्रॉफिट करना पड़ेगा. अनरलाइज प्रॉफिट कितना था इन्वेंट्री में, 8,000 इंटू 25 डिवाइडेड बाय 125, ये था 1600 का. ठीक है, तो 15,000 प्लस 17,000 माइनस 1600, ये हो जाएगा 30,400. राइट, इन्वेंट्री के बाद डेटर्स 19 प्लस 20 मतलब रिसीवेबल्स है ना, 19,000 प्लस 20,000 माइनस कॉन्ट्रा थी, ध्यान रखना कैंसिल करनी पड़ेगी. क्या था कि रिसीवेबल्स में 4,000 इंक्लूड है काल के, तो ये लेस करने पड़ेंगे. और सुसैन ने चेक रेस कर दिया 2500 का, तो ये कैश इन ट्रांजिट में बुक करना पड़ेगा. ओके, तो 4,000 कैंसिल करके कैश इन ट्रांजिट कितना आएगा, 2500 का. तो 19,000 प्लस 20,000 माइनस 4,000, 35,000. और कैश इन ट्रांजिट कितना आएगा, 2500 का. इसके अलावा एक कैश दे रखा है 2,000 का, ये भी ले लेते हैं. तो 248,500 प्लस 2,000, 21,250, 3,400, 35,000, 2,500 और 2,000, 341,650. ठीक है, चलो ठीक है, लाइबिलिटी साइड में इधर बना देता हूँ, उधर तो जगह बची नहीं है. तो लाइबिलिटी एंड इक्विटी जो है पार्ट, वो यहां पे बना रहे हैं अपन. सबसे पहले क्या आएगा, शेयर कैपिटल. 50,000 की शेयर कैपिटल, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है. रिटेन अर्निंग्स में कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स कितनी आएगी, कंसोलिडेटेड रिटेन अर्निंग्स 185,890. एनसीआई लिखेंगे नेक्स्ट आइटम, 51,260. हमें क्या ज्यादा ऐसे स्किप करना पड़ता है, पलटना पड़ता है बार बार. आप लोगों के लिए ये काम थोड़ा सा इजी है. ये वाला पॉइंट नहीं आएगा, कैंसिल हो गया ऑलरेडी. करंट लाइबिलिटीज में 33 और 23 माइनस कर देंगे, इसमें से कितना 1500 होगा जो कॉमन था. ठीक है, तो 33 प्लस 23 माइनस 1500, तो 54,500 आ जाएगा. ओके, तो 50,000 प्लस 185,890, 51,260 और 54,500, तो 341,650. तो आप देखो 341,650 असेट्स और 341,650 लाइबिलिटीज. ठीक है, अब मैं आपको एक और चीज इसमें बताना चाहता हूं. थोड़ा सा क्वेश्चन क्या है, लेंदी है, क्योंकि इसमें क्या है, सारे पॉइंट एक साथ आ गए. बट ऐसे क्वेश्चन करने से फायदा ही होता है कि अब आपको काफी सारे कॉन्सेप्ट एक साथ समझ में आ गए होंगे. हालांकि अपन ने कॉन्सेप्ट यहां पे केवल अनरियलाइज प्रॉफिट का ही समझा है, बट इन्वेंटरी का भी आ गया और एक साथ असेट्स का भी आ गया, डेप्रिसिएबल असेट्स वाला भी आ गया. ठीक है, तो देखो ये लोग क्या बोलते हैं, जैसे हमारा स्टैंडर्ड क्या बोलता है इसके बारे में कि कैसे निकाल सकते हो, ये तो मैं मिटा देता हूं ना. ये बोलता है कि इसका एक टेक्निक आप फॉलो करो, जैसे द इजिएस्ट वे टू कैलकुलेट द एडजस्टमेंट रिक्वायर्स टू कंपेयर द कैरिंग अमाउंट ऑफ द असेट्स नाउ विद द कैरिंग अमाउंट दैट इट वुड हैव बीन इफ द ट्रांसफर हैव नेवर अकर्ड. क्या बोल रहा है कि एक बार तो ये मानोगे ट्रांसफर हो गया, उसके हिसाब से कैरिंग अमाउंट क्या आई है बैलेंस शीट डेट पे, और एक बार ये मानो कि ट्रांसफर नहीं होता तो कैरिंग अमाउंट क्या आती, और यही आपका एडजस्टमेंट होगा. कैसे, देखो जरा, आपकी एसेट्स कितने की थी, 15,000 की थी. ठीक है, तो यहां पे लिख देता हूं 15,000, क्लियर.
इस पर्सन ने, मतलब जो किसने बेचा है ये असेट्स, होल्डिंग ने सब्सिडरी को बेची, सब्सिडरी कंपनी ने इस पे डैप लगाया होगा, ये तो ट्रांसफर प्राइस है, इस पे डैप कितना लगाया होगा सोचो, 15,000 की असेट्स है डिवाइडेड बाय 60 मंथ इंटू 6 मंथ, सही है नहीं है डैप लगाने का, क्योंकि इसने डैप तो सब्सिडरी कंपनी ने इसी हिसाब से लगाया होगा, भाई सब्सिडरी कंपनी ने खरीदी 15,000 की, इस पे डैप लगाया, तो 15,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 मतलब 1500 का डैप लगाया, तो डेप्रिसिएशन लगाने के बाद कैरिंग अमाउंट कितनी आई रिपोर्टिंग डेट पे, 13,500। ओके, अगर ट्रांसफर नहीं करते, ठीक है, मतलब तो ये डेप्रिसिएशन कितने पे लगता, 10,000 पे, फिर तो होल्डिंग के पास ही रखती हो ये असेट्स, होल्डिंग अपने आप डेप्रिसिएशन लगाता रहता, तो होल्डिंग कैसे डेप्रिसिएशन लगाता, 10,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6, ठीक है, 10,000 डिवाइडेड बाय 60 इंटू 6 मीन्स 1,000 हो गया, तो ये वैल्यू कितनी आ रही, 9,000। क्लियर। अब देखो यहां पे डेप्रिसिएशन कितना आया था, यहां पे आया था 1500 का, यहां पे डेप्रिसिएशन कितना आया 1000 का, तो पीयूपी निकल गया ये 5000 का और ये 500 का और ये नेट 4500 का, ऐसे भी कर सकते हो, बट मैंने आपको थोड़ा सिंपल तरीके से, देसी तरीके से बता दिया, तो वो थोड़ा सा ज्यादा इजी रहता है, करना चाहो तो ये भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर क्या? तो हमने क्या है, काफी सारी चीजें समझी आज, आप इसको प्लीज रिवाइज करिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करते हैं और आगे के टॉपिक्स को, ठीक है, थैंक यू।